हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज है डे 16। अभी नहा धो के तैयार, और आज स्कूल में है डिबेट कंपटीशन, तो देखते हैं हमारा कैसा रिजल्ट रहता है। बहुत ही मेहनत करके याद किया है गाइस। मिलते हैं आपको स्कूल से आने के बाद। चलो चलते हैं स्कूल। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मुकुल। ऑनरेबल जूरी मेंबर्स, डिग्निफाइड टीचर्स एंड ऑब्वियसली माय रिस्पेक्टेड एंड जस्टिफाइड ऑडियंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आई मुकुल एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू प्रेजेंट द टॉपिक प्राइवेट स्कूल इम्पार्ट बेटर क्वालिटी एजुकेशन देन गवर्नमेंट स्कूल। आई एम स्पीकिंग फॉर द मोशन। एजुकेशन गिव्स ए वाइटल इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। एवरीवन नो दैट ए डार्क ह्यूमन स्पिरिट कैन ओनली बी एनलाइटेंड बाय द लाइट ऑफ नॉलेज। From the primitive time till present time, the medium of imparting education has varied drastically. From ashram we reach to gurukuls, and from gurukuls to parshala, finally from parshala to a well-fenced word school. I has more surprise to say that this classification remains continued. I am here. My opponents want me to describe the difference of education between private school and government school. Private school charges a considerable amount of fees, which return the particle student a number of opportunity to student to flourish. Private school always remain updated as per the requirement of competitive world, but that they are the solely organization to make changes in curriculum, whereas the government school takes a longer procedure to understand the ground realities of the student. No doubt, private school keeps a child much more prepared to face the outside world with the help of expert teacher available throughout the session. On other side, I talk about government school. Many of post remains vacant in remote areas. The transport facility of government school is completely unfavorable to the student because some post remains vacant here. Hence, the teacher are transferred to new section in the middle of academic year. So my dear students, government school no doubt provide basic education to all the student which are financially backward student. But I feel so sorry to say that government school cannot compete private school. Thank you, have a nice day. गाइस अभी आ चुके स्कूल से और अभी खाते खाना। खाने में आज आलू के साथ दाल और मूंग और दही। तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ गड़ी मास्टर। चलो गाइस चलते हैं। सभी हम पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंदर। रास्ता है ऐसे बंद लग रहा है। अच्छा देख, तो आज की छठ है ना, कल भीड़ हो जाएगी माता का। मैं आया हूँ, अरे जो थोड़ो है हाँ नारे लगा रहा ना, कई दिन का नोड़ता हूँ चढ़ाना फिर पहुँच जाऊँ, फिर ले आऊँगा तब तो फिर मैं कहीं पहले पानी बारिश वारिश का गया। अच्छा अभी चलते वापिस।
ठीक है वीरमन है। खुद ही बना लूँ मैं दूसरा ही। चलो अभी आ चुके हैं और अभी पी रहे चाय, मिलते हैं आपको चाय पीने के बाद। सो गाइस एक बात और कि आज का जो डिबेट कंपटीशन था बहुत ही अच्छा रहा और मैंने डिबेट अच्छे से बोला, बस लास्ट में जाकर एक दो शब्द बोल गया, कोई नहीं क्योंकि पहली बार असेंबली में गए थे आगे तो। सो गाइस हम मैम ने भी अच्छा ही बताया और मैंने बहुत ही मेहनत से याद किया था। सो गाइस मैं आपको मंदिर के अंदर का तो नहीं दिखा पाया क्योंकि अंदर फ़ोन से वीडियो बनाना मना था। तो गाइस ये हरियाणा के मेहंदरगढ़ के गांव मासन में स्थित है मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है और ये मतलब कुल हमारे कुल देवता कुल देवी का मंदिर है जो कि गढ़ी मासन नाम से फेमस है। सो गाइस आई होप और सभी को ये वीडियो पसंद आए चलो लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपको नए वीडियो, बाय।